वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। देखो आज क्लास रे हमें डिस्कशन करिबा केमिस्ट्री रो 260 सिलेक्टेड क्वेश्चंस जोड़े कि आपणकर बीएड एंट्रेंस पे इंपोर्टेंट रहइबो, सीटी एंट्रेंस पे इंपोर्टेंट रहइबो एवं आपणकर आरएसटी मेन एग्जाम पे मध्ये इंपोर्टेंट रहइबो। तो वीडियो को आपण फास्ट लास्ट कंप्लीटली देखिबे, वीडियो को लाइक करिया सो संग निश्चित वीडियो को शेयर करिवे। आज जदि आपण चैनल को फर्स्ट टाइम पे आछन चैनल को सब्सक्राइब करना तो चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देबे, एपर लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाए। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन टे आपन को देला आपन को देछ देखंतु लाइसर्जिक एसिड, जो लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड जहाँ आम सर्ट फर्म LSD बोली कही था इज ए ड्रग यूज डैट। तो ये जो ड्रग टी रहा आपको आम यूज कर आज ए कौन तो मन रखिए आपको आम गोटे यूज कर कौन हेलुसिनोजेन हिसाब से यूज कर करेक्ट आंसर टी ऑप्शन नंबर डी हेलुसिनोजेन आकार यूज कर लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल इथाइल अमाइड को। ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए क्वेश्चन नंबर टू देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस अंडरगो सब्लिमेशन ऑन हीटिंग। तो क्यों सब्सटेंस टी को आम जब हिट करवा तो सी आपंकर सब्लिमेशन हो तो सब्लिमेशन माने जानते डायरेक्ट आपंकर सॉलिड रो डायरेक्ट आपंकर गैस हो तो कौन हो करेक्ट आंसर देखिए आयोडीन नाप्थालीन कम्फोर। तो आप जानते आयोडीन नाप्थालीन कम्फोर तो ऑल ऑफ देम हो करेक्ट आंसर तो तीन टाक आपंकर सब्लिमेट होदी आम हिटिंग करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आमालगम इज ए टर्म यूज फॉर एन अलॉय। तो आप जानते ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आमालगम आम यूज कर था मर्क्यूरी आप जानते ZnHg गोटे आपंकर कैटलिस्ट जोटा कि यूज होता है कौन ना क्लिमेनसन रिडक्शन मर्क्यूरी आपंकर आमालगम होता है। गामाक्सिन DDT एंड ब्लीचिंग पाउडर आर इंपोर्टेंट कंपाउंड सब। तो गामाक्सिन है DDT है ब्लीचिंग पाउडर है तो ये सबुथर आपंकर इंपोर्टेंट कंपाउंड हो क्लोरीन मन रखिए क्लोरीन हो करेक्ट आंसर। देखते फ्रेंड्स PDFटा आप पाइबे आम टेलीग्राम रे एटा गोटे ई बुक्टा। ठीक अच्छे एटा को आप पूरा आपजे आम टेलीग्राम रे तो टेलीग्राम चैनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे। देखो तो आप बारंबार करूँ कमेंट करूँ जे PDF आपंकर मिलनी तो आपंकर देखो सबू PDF सबू थियोरी क्लास जितकी आम करूचे तो थियोरी क्लास मुझर जितकी भी थियोरी क्लास करुच्चे सबूर PDF ऑलरेडी टेलीग्राम रे अपलोड अच्छे फाइल सेक्शन में। ठीक अच्छे तो आपको फाइल सेक्शन में जाकि खोजा पड़ो PDF को। ठीक अच्छे आपड़ कमेंट कर PDF ना PDF तो PDF आपंकर आगुरी अपलोड हो जाए PDF आपंकर आगुरी आपको प्रोभाइड कर दि जाए। ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए LPG इज ए हाइड्रोकार्बन कनसीस्टिंग ऑफ ए मिक्सचर। एटा इंपोर्टेंट LPG होची गोटे हाइड्रोकार्बन जोड़ा कि हूँ LPG पचारा मैंने ब्यूटेन को देखिए एवं प्रोपेन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए फट जे किरोसिन किरोसिन ऑयल कहले आप कौन बुझे किरोसिन ऑयल तो किरोसिन ऑयल मन रखिए तो ये आम रैपिड फायर डिस्कशन करवा बहुत सारा क्वेश्चन अच्छी तो आप एग्जाम डियर अच्छी तो आप जिते चाहिए जिते पारा क्वेश्चन आप प्राक्ट करेंगे तो आर करेक्ट आंसर टी ऑप्शन ए किरोसिन ऑयल हूँ इट्स एन अनकनभेन्शनाल ऑयल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दि पायरोलिसिस हाइड्रोजेनेशन आउ थर्मल डिजोल्यूशन ऑफ ऑयल सेट्स है मन रखी तो करेक्ट आंसर हो कौन ना ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे व्हिच अमंग द फॉलोइंग हैज फर्स्ट ह्यूमन मेड प्लास्टिक। प्रथम ह्यूमन द्वारा तैयारी होता प्लास्टिक रो ना हो मन रखिए कौन ना सेलुलॉइड। ठीक अच्छे सेलुलॉइड ऑप्शन नंबर सी अच्छी सेलुलॉइड हूँ प्रथम मनुष्य द्वारा तैयारी होता प्लास्टिक टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंपैक्ट ऑफ लंडन फोर्स इन द साइक्लो अल्केन। तो साइक्लो अल्केन उपरे लंडन फोर्स रो करेक्ट इंपैक्ट कौन ना जदि आम लंडन फोर्स कथा कहवा तो मन रखिए द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स गेट इनक्रीज। तो लंडन फोर्स पकड़े साइक्लो अल्केन कौन हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रे इनक्रीज हो। नेक्स्ट देखिए आपंकर देखो क्वेश्चन नंबर आपको देखिए द पोटासीयम ग्राफाइट पोटासीयम ग्राफाइट एंड कैल्शियम ग्राफाइट कैन बी मोस्टली यूज एज व्हिच अमंग द फॉलोइंग। तो ये आपंकर मोस्टली सुपर कंडक्टर आकार यूज करा जाए। नेक्स्ट देखिए व्हिच अमंग द फॉलोइंग मिनरल्स इज ऑल्सो नोन एज हॉर्न सिल्वर। इंपोर्टेंट हॉर्न सिल्वर हूँ सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए कनसीडर दि फॉलोइंग पार्टिकल्स तो यहाँ दरकार नहीं आपंकर। नेक्स्ट को आसतु पॉलीमेटालिक मॉड्यूल्स PMN प्रीडोमिनेंटली कंटेंट। तो पॉलीमेटालिक मॉड्यूल आपंकर मांगानीज कंटेंट करता है। ठीक अच्छे नेक्स्ट आपको देखिए द कलर्स इन द फाइन कट डायमंड आर बिकज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो बिकज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंप्यूरिटीज मन रखिए बिकज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंप्यूरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहा बेंजो आपंकर बेंजोइपिन आपंकर पेरिसल्फान
फाजर आउ आप थायोडान थायोनेक्स एटीजी आर द नेम्स अफ ह्विच अमंग दि फलोइंग पेस्टिसाइड तो ये होंगे गोटे गोटे एंडोसल्फान युवक कौन कहुए एंडोसल्फान भी कहुए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट इज एन एक्यूज सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीडेट विल बी ऑफ ह्विच अफ दि फलोइंग नेचर तो पचार गोटे आपंकर सोडियम एसीडेटर एक्यूज सॉल्यूशन टाक तो आपंकर बेसिक नेचर रही है मन रखिए बेसिक इन नेचर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसतु तो नेक्स्ट आपको देखिए एसीडिलीन कैन नॉट बी सेफली आपंकर प्रेसराइज आज ए प्योर कंपाउंड ह्विच अमंग दि फलोइंग इज यूज फॉर सेफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसीडिलीन तो एसीडिलीन ट्रांसपोर्टेशन एसीटोन आपंकर यूज कराए तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एसीटोन एबव 70 डिग्री सेंटीग्रेड सोडियम बाइकार्बोनेट हाज ए प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेजुअली डिकम्पोजिंग व्हिच मेक्स इट अनयूजेबल सॉरी मेक्स इट यूजेबल इन बेकरी प्रोडक्ट्स व्हिच अमंग द फॉलोइंग एंड फॉलोइंग एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट मेक्स इट यूजेबल एबव परपज तो आपंकर सोडियम बाइकार्बोनेट रो जो थर्मल डिकम्पोजिशन आपंकर प्रॉपर्टी रहिला तो ताकु सहाय्य करे किए ना कार्बन डाइऑक्साइड मानकिबे जेनरली बेकारी प्रडक्ट आप जानते कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है जथा आप केक् फेक आदि फुलवे कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है ह्विच अमंग दि फॉलोइंग सब्सटेंस इज बीइंग यूज मोस्ट कॉमनली फॉर प्रोड्यूसिंग सिंथेटिक आपंकर जेट फ्यूल तो जेट फ्यूल आपंकर कोल हो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट देखिए बेबी डायपर इफ टेस्टेड विथ वेरियस सॉल्यूशन विल अब्सॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्विच अमंग दि फॉलोइंग तो करेक्ट आंसर है डिस्टिल वाटर तो ऑप्शन नंबर ए रे अच्छे नेक्स्ट देखिए आपको क्वेश्चन नंबर आपणकर नेक्स्ट आसतु क्वेश्चन नंबर आपणकर आसतु क्वेश्चन नंबर 27 को आसतु फास्ट द फास्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन तो मनुष्य मान द्वारा प्रथम मेटल जोटा कि यूज होता तार ना हो कॉपर फॉर रेस्पिरेशन इन डीप सी सी डाइवर्स यूज मिक्सचर अफ तो आपंकर जो गभीर समुद्र को जो मैंने जाती से रेस्पिरेशन कहार मिक्सचर नहीं था मन रखिए से ऑक्सीजन हीलियम और नाइट्रोजन मिक्सर ऑक्सीजन हीलियम और नाइट्रोजन मिक्सर द मिनिमम टेम्परेचर आट ह्विच कंबसेबल सब्सटेंस कैचेस फायर इज इंपोर्टेंट तो मिनिमम टेम्परेचर जो थे कि गोटे कंबसेबल सब्सटेंस फायर को क्याच कर मैं निया धर तो टेम्परेचर को आम इग्निशन टेम्परेचर कही था इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहा आपणकर देखु कनसीडर दि फलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्राफिन आउ फुलेरिन तो ग्राफिन आउ फुलेरिन विषय आपंकर किसी स्टेटमेंट देती तो स्टेटमेंट देती ग्राफिन इज टू डायमेंशनल फुलेरिन जेनरली थ्री डायमेंशनल देन देती ग्राफिन हूँ एसपी टू आलोट्रॉप ऑफ कार्बन व्हाइल फुलेरिन इज एसपी थ्री आलोट्रॉप ऑफ कार्बन तो नेक्स्ट देती ग्राफिन डज नॉट डिजॉल्व इन पेट्रोल बट फुलेरिन डिजॉल्व तो करेक्ट आंसर टी हो एक आन आपर स्टेटमेंट हूँ करेक्ट है एक आन नेक्स्ट देती हाबर्स प्रोसेस एटा तो आसो आपर निहाती क्वेश्चन में मुझको कही आर एस टी ना बीड्रे आपर निहाती भाव में देखा मिले हाबर्स प्रोसेस आपंकर आमोनिया है आलुमिन जोटा आपंकर आउ गए मुझे हल्स प्रोसेस आलुमिनियम एवं इंपोर्टेंट रेक्स्ट देती इफ हाइड्रोजन आटम इज रिमूव्ड फ्रॉम ए हाइड्रोकार्बन ऑफ बेंजीन रिंग ऑफ बेंजीन ग्रुप द रिमेनिंग रेसिड्यू इज कॉल्ड जदि गोटे हाइड्रोजन आटम को आम रिमूव करदे गोटे हाइड्रोकार्बन रु है तो देन से जो रिमेनिंग ग्रुप रहा आम आरआइल बोली कह कह आरआइल व्हिच ऑफ अमंग द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कॉज द रॉक्स टर्न्स रेड और येलोइश तो आपंकर जानते तो जो आपंकर कलंकी लगवा से कौन ऑक्सीडेशन ना तो ऑप्शन नंबर हो व्हिच अमंग दि फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ द स्केल यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ स्पाइसी हीट ऑफ ए चिल पेपर तो आपंकर चिल पेपर रीट को आपंकर मेजर कराए मन रखिए स्कोभाइल है स्कोभाइल नेक्स्ट देती एव्री किलोग्राम ऑफ सी वाटर हाज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच डिजॉल्व सॉल्ट तो एव्री किलोग्राम ऑफ सी वाटर हाज अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आंसर है 35 ग्राम्स ऑफ सी सॉल्ट सॉरी सॉल्ट जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट सो दैट जिप्सम आपर जो सीमेंट रे थाए तो सेटा कौन पई थाए ना बिकॉज तार जो सेटिंग प्रॉपर्टी रहिला तो आपर सेटिंग ऑफ सीमेंट कैन बी स्लो ठीक अछि सेटिंग ऑफ सीमेंट कैन बी स्लो नेक्स्ट इज द कलर कारमाइन इज ए शेड ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग कलर तो मन रखिए कारमाइन रो एटा कलरटा होची रेड कलर कंसीडर द फॉलोइंग कॉपर जिंक टिन गन मेटल इज द अलॉय गन मेटल आपनकर ए तीनटांकर गोटे अलॉय तो करेक्ट आंसर हो जीवा डी ऑप्शन नेक्स्ट देछि व्हिच अमंग द फॉलोइंग मेक्स ए चाइल्ड स्लैपचर डिफरेंट फ्रॉम स्लैपचर तो आपनकर चाइल्ड स्लैपचर आपनकर स्लैपचर ठारु केमि डिफरेंट
ना एथिरे आपनकर सोडियम टा एक्स्ट्रा थाय हला। नेक्स्ट देजी व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए फुल्स गोल्ड, तो फुल्स गोल्ड आपनकर कह जाय आयरन सल्फाइड को, का कह जाय फुल्स गोल्ड बोली कह जाय आयरन सल्फाइड को, तो ऑप्शन नंबर बी हे जइबो करेक्ट हला। आपनकर ऑप्शन नंबर एटा ऑप्शन बी आयरन सल्फाइड। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा। नेक्स्ट देजी व्हेन ए पीस ऑफ क्विक लाइम, व्हेन ए पीस ऑफ क्विक लाइम इज डीप्ड इन वाटर, जिते गोटे पीस ऑफ क्विक लाइम वाटर आम डीप करवा, इट गिव्स बबल, तो सी कौन फुटका टाइप बाहर, दिस बबल इज ड्यू टू द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो बबल आसे तो यहाँ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देजी व्हिच अमंग द फॉलोइंग एसिड इज यूज टू आसर्टन व्हेदर प्योर घी हाज बीन अडल्ट्रेटेड विथ वनस्पति और मार्जाइन है, तो करेक्ट आंसर दे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्यों एसिड था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट देखिए आपणकर मिजोरोकी हेक रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, सॉरी फॉलोइंग मेटल, तो मिजोरोकी हेक रिएक्शन आपणकर पालाडियम है, पालाडियम, तो ऑप्शन नंबर सी रे अछि। नेक्स्ट देखिए व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग विंडोज फॉर एक्सरे ट्यूब्स, तो मन रखिए एक्सरे ट्यूब आपणकर बेरिलियम। व्हिच अमंग द फॉलोइंग फास्ट इनक्रीजेस देन डिक्रीजेस इन ए पीरियडिक टेबल, तो पीरियडिक टेबल करेक्ट आंसर दे वैलेंसी। व्हिच अमंग द फॉलोइंग वे आर नॉट डिस्कवर्ड बाय द टाइम मेंडेली पब्लिश्ड हिज पीरियडिक टेबल, तो आपणकर से डिस्कवर है ना नोबेल गैस डिस्कवर है ना। आपणकर नेक्स्ट देखिए देखते आसतु व्हिच अमंग द फॉलोइंग एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन इज फाउंड इन सिक्स फेजेस अंडर वेरियस प्रेशर एंड टेम्परेचर, करेक्ट आंसर टी हो ऑक्टा ऑक्सीजन, कौन हो ऑक्टा ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखिए बॉकी बॉल्स आर बेसिकली द एलोट्रोप्स ऑफ, बॉकी बॉल्स हूँ जनरली एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, तो ऑप्शन नंबर ए रहे। बॉकी बॉल्स आर बेसिकली एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, तो नेक्स्ट को आसवा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसतु व्हाट इज द नंबर ऑफ सिंथेटिक एलिमेंट इन पीरियडिक टेबल, पीरियडिक टेबल सिंथेटिक एलिमेंट अच्छा 24 टी मन रखिए। नेक्स्ट देखिए किम्बर्ली प्रोसेस इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो किम्बर्ली प्रोसेस डायमंड है। नेक्स्ट देजी व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पर आपंकर एल्बुमिन, ठीक अच्छे जो आपंकर जिते भी आपको एग रखी फेनोमेनन देना, तो आपंकर एग रखी फेनोमेनन देला, तो आपड़ निहाती भाव में कौन करेंगे ऑस्मोसिस प्रोसेस करेंगे। देन आपची पल इज मेनली मेड अप ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग, तो पल आपंकर कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देजी आज वेल आज नेक्स्ट देजी आज वी ऑल नो दैट गनपाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ सल्फर चारकोल एंड पोटासियम नाइट्रेट, व्हिच अमंग दीज कंपोनेंट आर्ट्स इन शेडिंग ऑफ द बर्निंग ऑफ गनपाउडर, तो करेक्ट आंसर दी जाव सल्फर है। नेक्स्ट देखिए नॉर्मल रेनफॉल इज स्लाइटली एसिडिक जार पीएच हो 5.6 हाज बीन असाइंड व्हिच माइट बी समवेयर नियर 5 बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड, करेक्ट आंसर दी जाव कार्बोनिक एसिड। तो आप करेक्ट आपन कमेंट कर कहे पीएच ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन पीएच केते हला। नेक्स्ट नेक्स्ट आप व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो करेक्टली मैच कौटा ना, तो व्हाइट गोल्ड 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 एवं सिल्वर, तो व्हाइट गोल्ड रे आपनकर हाज नो सिल्वर, तो मन रखिए यहाँ निकेल। नेक्स्ट आप ब्रिंग आउट द इनकरेक्ट यूजेस, तो इनकरेक्ट यूजेस को आम बाछार अच्छे, तो करेक्ट आंसर हो मिथाइल अल्कोहल बेवरेजेस, तो मन रखिए मिथाइल अल्कोहल और मिथानल इज फ्रिक्वेंटली यूज आज ए आपर कौन डी नेचुरांट एडिटिव फॉर इथानल मैन्युफैक्चर और इंडस्ट्रियल यूजेस। तो व्हाट इज आपर कार्बामाइड, कार्बामाइड हूँ कौन ना कार्बामाइड हूँ गोटे फर्टिलाइजर, मन रखिए व्हिच अमंग द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए प्रिजर्वेटिव ऑफ टमाटो जूस, टमाटो जूस प्रिजर्वेटिव हूँ सोडियम बेंजोएट। व्हिच अमंग द फॉलोइंग गैस हैज लोएस्ट ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, तो मन रखिए कार्बन आउ आपर कार्बन डाइसल्फाइड रहा लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन हूँ ग्राफाइट, मन रखिए ग्राफाइट हूँ सॉफ्टेस्ट। व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो करेक्ट आंसर टी ऑप्शन ए, तो मन रखिए बोथ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेवी वाटर आर हायर देन नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर ठालु बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हेवी वाटर अधिका डिट्रम ऑक्साइड। व्हिच अमंग द फॉलोइंग गिव्स हिजिंग साउंड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, वाटर डिजॉल्व कले किए हिजिंग साउंड दबो, सीओ सीएओ दबो।
देन देजी व्हाट इज द नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग हैलोजेंस इन पीरियडिक टेबल। तो हैलोजन केतरा नेचुरली अकरिंग, तो आपण जानिथिबे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाडीन एगुडा होजंती ग्रुप 17 एलिमेंट हला पांचटा। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द लोएस्ट एटॉमिक नंबर एलिमेंट विदाउट एनी स्टेबल आइसोटोप। तो करेक्ट आंसर देजी बा टेक्नेटियम। करेक्ट आंसर कोन आइजबो टेक्नेटियम। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ आपणकर मैल्युएबल मेटल अलॉय आपणकर प्यूट। तो करेक्ट आंसर दे हिजबो मेन कंस्टिट्यूएंट होची टिन। नेक्स्ट देजी हाउ मेनी पार्ट्स आर द आर ऑफ अदर मेटल्स इन 17 कैरेट गोल्ड। तो 17 कैरेट गोल्ड रे आपणकर करेक्ट आंसर दे हिजबो पार्ट होची 7टा पार्ट थाए अदर मेटल रा पार्ट होची 7टा। व्हिच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर कार्बन ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल। तो किए आपणकर आसे ना, तो आपणकर व्हिच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम। अच्छा सेलेरियम आपणकर टेलुरियम ई सब आसे आपणकर चालकोजन फैमिली ग्रुप 16 रे। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो करेक्टली मैच आपणकर आर्सेनिक सहित स्टीबियम। तो स्टीबियम इज एंटीमनी, ठीक अछि। नेक्स्ट देजी केमिकल केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी टेस्ट इज कॉमनली यूज टू मेजर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो सीओडी टेस्ट आपणकर मेजर करे कोन ना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंपाउंड इन वाटर। वाटर केते क्वांटिटी ऑक्सीजन अछि सेटा मेजर करे। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक मेटल। तो ऑर्गेनिक मिनरल गोटे होची कोन अंबर। नेक्स्ट देजी नेक्स्ट आसंतु एटा दरकार नै। नेक्स्ट आसंतु हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज स्पेल्ड आउट इन 3 लेटर वर्ड्स इज सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स कोड्स फॉर ए स्पेसिफिक अमीनो एसिड। तो ताको आपणकर करथिले किए ना आपणकर हरगोविंद खुराना करथिले। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए मेन कंपोनेंट ऑफ सम अलर्ट टैबलेट्स सच एज अलर्ट नोडज देन स्टे अवेक देन भिवारिन। तो करेक्ट आंसर दे जइबो एगुडा सब कैफेन थाए, ठीक अछि कैफेन। व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ बेरियम इज यूज्ड एज रेडियो कंट्रास्ट एजेंट फॉर एक्सरे इमेजिंग एंड अदर डायग्नोस्टिक प्रोड्यूसेस एंड ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड एज आपणकर बेरियम फूड। तो बेरियम फूड बोली अदरवाइज आपणकर बेरियम सल्फेट को मध्य कहा जाए। नेक्स्ट आपको देखिए व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीडोट। तो एंटीडोट आकार में यूज करा जाए एक्टिवेटेड चारकोल को। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए आपणकर व्हिच अमंग द फॉलोइंग अंडर गो ए केमिकल रिएक्शन डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर दीजिए आपणकर व्हिच अमंग द डिपेंडिंग ऑन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर दीजिए जिंक ऑक्साइड। करेक्ट आंसर कौन जीव जिंक ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी। ब्रिंग आउट द स्टेटमेंट व्हिच इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट आपणकर रॉन्ग केउटी अछि देखंतु एसीटोन यूज एज ए सॉल्वेंट, ठीक अछि। आपणकर एड्रेनालिन इज यूज एज यूज्ड इन द इवेंट ऑफ हार्ट फेलियर। ग्राफाइट इज एन एग्जांपल ऑफ अलोट्रोप। ऑल आर करेक्ट। तो ऑप्शन डी हबो ऑल आर करेक्ट हला। व्हिच अमंग द फॉलोइंग बेसिक एटम्स आर मोस्ट इन अल्कलॉइड। तो अल्कलॉइड रे आपणकर बेसिकली देखा जाय कोन ना नाइट्रोजन हला। नेक्स्ट देछि ए ब्लॉक एलिमेंट्स तो इन द पीरियडिक टेबल व्हिच आर कॉमनली कॉल्ड लैंथेनाइड्स हैव द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर। तो लैंथेनाइड सीरीज आपणकर एटॉमिक नंबर 58 नु 71 द ताको आपणकर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोली मध्ये कहा जाय। एलिमेंट ऑफ गैस एट व्हिच गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल रिगार्डलेस ऑफ नेचर ऑफ द गैस द कंटेंट द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज। तो आपको अवोगाड्रोस लॉ बोली कहा जाए माने जोटा कि कही माने आपणकर नंबर ऑफ केते 1 मोल जोटा आम कही दबू 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू अवोगाड्रोस नंबर जोटा। तो सेटा अवोगाड्रोस लॉ एटा। नेक्स्ट देखिए हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मैन्युफैक्चरर ऑफ फास्ट साइक्लोट्रॉन। तो फास्ट साइक्लोट्रॉन को आपणकर लॉरेंस करथिले एनएस लॉरेंस। नेक्स्ट आपण देखिए ब्रिटिश साइंटिस्ट जेजे थॉमसन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1906 फॉर डिस्कवरी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल। तो जानिथिबे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपणकर जेजे थॉमसन को नोबेल मिलथिला। चार्ल्स गुडियर इज नोन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। चार्ल्स गुडियर को आपणकर रबर वल्केनाइजेशन पय जाना जाए। तो मन रखिबे व्हिच अमंग द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन बेलून्स। बेलून्स आपणकर यूज करा जाए हीलियम, ठीक अछि बेलून फुलेबा पय। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोबेल गैस। तो नोबेल आपणकर नोबेल मेटल मानकर मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होची दे माने नोबेल माने से माने नॉन रिएक्टिव नेचर। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग अल्कलाइन बैटरी। तो अल्कलाइन बैटरी पय करेक्ट स्टेटमेंट होची ऑप्शन नंबर ए जोटा कि होची नेगेटिव टर्मिनल मेड अप ऑफ जिंक पाउडर एंड पॉजिटिव टर्मिनल मेड अप ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड आउ इलेक्ट्रोलाइट होची KOH। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आपणकर ट्रांस एटा दरकार नै आपणकर दरकार नै।
नेक्स्ट देखिए साइक्लोट्रॉन इज साइक्लोट्रॉन हूँ गोटे पार्टिकल आसिलेटर साइक्लोट्रॉन कौन पार्टिकल आसिलेटर नेक्स्ट को आसतु नेक्स्ट आपको देखिए ये आपंकर दरकार नहीं नेक्स्ट आसतु कैसीडेराइट जानवर यहाँ आपंकर निहाती एग्जाम आसो कैसीडेराइट हूँ टीन गोटे ओवर मन रखिए टीन अक्साइड जोटा कह जाए टीन अक्साइड नेक्स्ट देखिए ह्विच अफ दि फलोइंग आर फाउंड इन न्यूक्लियस अफ ड्यूटेरियम सरी ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम न्यूक्लियस आपंकर कौन गोटे प्रोटॉन गोटे न्यूट्रॉन हो आटम नंबर तो सेम ह्विच अमंग दि फलोइंग आपंकर प्रोभाइड द सेंट्रिपिटल फोर्स टू एन इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस तो ह्विच अमंग दि फलोइंग प्रोभाइड सेंट्रिपिटल फोर्स तो जो इवल्व करता है जी इलेक्ट्रॉन गोटे जो इलेक्ट्रॉन आपंकर न्यूक्लियस चारिपटे बुलू थाए इलेक्ट्रो सेंट्रिपिटल फोर्स दे था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ह्विच अमंग द फलोइंग ऑफ ए क्रिस्टल सॉरी कैटलिस्ट डज नॉट चेंज एट द एंड ऑफ रिएक्शन तो आपंकर ह्विच अमंग द फलोइंग ऑफ ए कैटलिस्ट कैटलिस्ट रो केउटी आपंकर रिएक्शन एंड हेले मध्ये तार कोनटा चेंज हेनि थाए माने तार आपंकर क्वांटिटी एवं केमिकल कंपोजिशन रे कोन चेंजेस हेनि थाए नोबेल गैस कथा देछि द नोबेल गैसेस आर ए ग्रुप ऑफ केमिकल एलिमेंट्स व्हिच सॉरी विथ वेरी सिमिलर प्रॉपर्टीज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस दे आर ऑल ऑर्डरलेस कलरलेस मोनोएटॉमिक विथ ए वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी हाउ मेनी नोबेल गैसेस आर ऑकर नेचुरली तो जानी तो नोबेल गैस हूँ आपंकर हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन आउ आप रेडन तो सिक्स नेक्स्ट है हार्ड वाटर कंटेंट तो आपंकर हार्ड वाटर में आपंकर कौन थाए ना कैल्शियम थाए तो मन रखिए हार्ड वाटर इज जनरली फाउंड इन एरियाज व्हेयर ग्राउंड वाटर इज इन कंटाक्ट विथ लाइमस्टोन चॉक डोलोमाइट एंड गेट्स हायर अमाउंट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम डिजॉल्व इन इट व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज आयोनिक सॉलिड तो केउटी गोटे आयोनिक सॉलिड मन रखिए आयोनिक सॉलिड हूँ टेबल सॉल्ट हला ऑप्शन सी रे अच्छे नेक्स्ट देखिए व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट ओजन इज इनकरेक्ट ओजन रिगार्डिंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अच्छी तो ऑप्शन बी इट इज लाइटर देन ऑक्सीजन दैट इज व्हाई इट इज फाउंड इन अपर एटमॉस्फेयर हला ओजन हूँ मन रखिए ऑक्सीजन ठार जनरली हेवियर तीनटा आपंकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होती तो यहाँ आपंकर अपर एटमॉस्फेयर रे देखा जाए तो देखिए व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट तो क्यों स्टेटमेंट करेक्ट अच्छी ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड तो मन रखिए ये करेक्ट स्टेटमेंट हम बी ऑक्सीडेशन टा आपंकर एनोड रही था कैथोड रे आपंकर रिडक्शन टा होता है एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन हूँ 35 ये कंसिस्ट ऑफ तो आपंकर 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन नेक्स्ट देखिए व्हेन वी बाय ज्वेलरी ऑफ 22 कैरेट गोल्ड इट दिस मीन्स दैट वी आर गेटिंग ए प्यूरिटी ऑफ गोल्ड विथ तो मन रखिए 22 कैरेट गोल्ड माने पाखापाखि 91.67% प्योर गोल्ड नेक्स्ट है जी आन ज्वेलरी वाज थेप सॉरी आन ज्वेलरी वाज लेफ्ट एक्सपोज टू द आटमोस्फियर गोटे जदि आपंकर ज्वेलरी जिनस गोटे आम आटमोस्फियर को सेमती आम बाहर रखीदे फर सम टाइम इट बिकम्स कोटेड विथ ग्रीन कार्बोनेट तो आपड़ देखिथे तेज़ गोटे ग्रीन कलर गोटे आपंकर लग जाए कल टाइप र द ज्वेलरी इज मेड अप ऑफ व्हिच एलिमेंट तो मन रखिए कॉपर जो है तो सी आपंकर टाइप रोट हो जाए है नेक्स्ट देखिए द प्रोसेस ऑफ प्यूरीफाइंग वाटर बाय सेपरेटिंग सॉरी बाय स्प्रेइंग वाटर ऑन टू ए बेड ऑफ स्टोन्स व्हेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव सो दैट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड द पाथोजेन्स इन वाटर एंड मेक द वाटर फ्री फ्रॉम हार्मफुल पाथोजेन ताको आम कही था बायोफिल्टर मेथड तो कौन कही बायोफिल्टर मेथड आज पर अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मन रखिए अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जोड़े कि आपंकर अवोगाड्रोस लॉ कहला आपको नेक्स्ट देखिए ड्यूरालुमिन व्हिच इज यूज इन मेकिंग आपंकर एरोप्लेन इज एन आलॉय कंसिस्टिंग ऑफ मन रखिए ड्यूरालुमिन हूँ एल्युमिनियम कॉपर मैंगनीज और मैग्नीशियम व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट प्रथम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट ना हूँ कौन ना टेक्नेटियम मन रखिए नेक्स्ट है फ्रोट आपको देखिए फ्रोट एंड फोम्स एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो फ्रोट एंड फोम्स हूँ गैस सस्पेंडेड इन लिक्विड बोली कह जाए देन आसतु व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट समस्त जानते प्राय कई भी भूल करेंगे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूँ फ्लोरीन नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द मेन यूज ऑफ बाय आपंकर बीस फिनल एड्रंक
तो आपणकर बीस फिनल मेन आपणकर गोटे सी गोटे ड्रग तो जार कि मुख्य यूज हो ए केमिकल कंपाउंड व्हिच इज यूज इन प्लास्टिक यूज फॉर फूड पैकेजिंग हला। नेक्स्ट फूड पैकेजिंग रे जो प्लास्टिक यूज है तो ये आपंकर यूज होता है सीटी व्हिच अमंग दि फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस तो गोबर गैस रो गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट आपंकर प्रोपेन नुहे। व्हिच अमंग दि फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द केमिकल नेचर ऑफ डायमंड एंड ग्राफाइट ग्राफाइट और डायमंड रो केमिकल नेचर ऊपर क्यों स्टेटमेंट इनकरेक्ट बोली कहिछि तो डायमंड ऑप्शन सी है बोथ डायमंड एंड ग्राफाइट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मन रखिए डायमंड आपंकर बैड कंडक्टर ग्राफाइट होची गुड कंडक्टर। गैल्वेनाइजिंग इज ए मेटलर्जिकल प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू कोट स्टील और आयरन विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो गैल्वेनाइजेशन जनरली डन विथ द हेल्प ऑफ जिंक मन रखिए तो जनरली एटा गोटे प्रोटेक्शन दिया जाए गैल्वेनाइजेशन जोटा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज क्विक लाइम सॉरी क्विक सिल्वर कहले आम मर्क्यूरी को बुझू क्विक सिल्वर हो मर्क्यूरी द प्राइमरी पार्ट ऑफ ए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी रा मुख्य पार्ट हो कौन ना फास्ट प्रोपेन देन हो ब्यूटेन है एलपीजी रा व्हिच अमंग द फॉलोइंग एक्सप्लेन द रेडिएशन मेथड ऑफ ब्लैक बॉडीज तो ब्लैक बॉडीज रा रेडिएशन मेथड आपंकर कौन ना क्वांटम थ्योरी कालामाइन लोशन व्हिच इज यूज्ड एज एन एंटी तो आप कालामाइन गोटे कार ओर तो आप करेंगे देखु देखु कालामाइन कार ओर जानते। नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मर्क्यूरी इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट तो मर्क्यूरी आप करदे आपंकर सिनाबार ऑप्शन ए। एडसॉर्प्शन इज यूज्ड कॉमनली इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एडसॉर्प्शन होची क्रोमैटोग्राफी व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ए साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन करेक्ट डेफिनेशन गला एक्सेलरेटर ऑफ चार्ज एटॉमिक पार्टिकल केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्राफाइट ग्राफाइट केमिकल फॉर्मूला ग्राफाइट आपर कार्बन जा ग्राफाइट से आलोट्रोपिक फॉर्मूला व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए ट्रू अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ लिपिड लिपिड मानक सॉल्युबिलिटी क्यों स्टेटमेंट इज ट्रू करेक्ट आंसर टी दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट इज कॉमनली कॉल्ड एज कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को अदरवाइज एस्बेस्टस बोली कहा जाए कौन कहा जाए एस्बेस्ट आपको देखिए फिनोफ्थालिन इज यूज इन केमिस्ट्री आज तो फिनोफ्थालिन जानते एटा आपंकर गोटे इंडिकेटर आपंकर डाए कहींपर ठीक अच्छे तो आपको देन रिजरपाइन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच काइंड ऑफ ड्रग तो रिजरपाइन हूँ गोटे ट्रांकुलाइजर जो मेंटल इलनेस दि जाए ट्रांकुलाइजर जोटा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। कोबाल्ट ऑक्साइड इज यूज टू इंपोर्ट सॉरी इंपैक्ट व्हिच कलर टू ग्लास कोबाल्ट ऑक्साइड आपंकर ब्लू कलर व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फुल फॉर्म डीडीटी डीडीटी आप जानते डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन व्हिच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट तो करेक्ट स्टेटमेंट ये होची ऑप्शन बी अमोरफस अमोरफस इज एन सॉरी अमोफस ठीक अच्छे अमोफस इज एन इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर व्हाइल यूरिया इज एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऑप्शन नंबर बी। रेयन इज एन एग्जांपल रेयन होची गोटे आपंकर सेमी सिंथेटिक फाइबर देन देखिए सोडियम आकाइल सॉरी सोडियम अल्काइल सल्फेट एंड बेंजीन सल्फेट आर एग्जांपल ऑफ तो एगुड़ा होचंती सिंथेटिक डिटर्जेंट। व्हिच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप इज कैरेक्टराइज अल्कोहल अल्कोहल आप देखिए ओएच ग्रुप थी। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए यूज ऑफ ग्राफाइट ग्राफाइट गोटे यूज नुहे ग्लास कटिंग है वाटर आट ए 4 डिग्री सेंटीग्रेड हाज तो मन रखिए वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड डेनसीटा अधिका टू किप द हॉट ग्लास आइटम्स फिनिशिंग एंड ट्रांसपेरेंसी दे गो थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड आपंकर एनेलिंग दिस प्रोसेस इनवॉल्व्स तो एनेलिंग प्रोसेस आपंकर कौन होता है ना कूल्ड स्लोली एंड यूनिफॉर्मली अंडर कंट्रोल एनवायरमेंट। ब्लीचिंग पाउडर इज ए कंपाउंड ऑफ तो ब्लीचिंग पाउडर आप जानते गोटे आप कैल्शियम CaOCl2 ठीक अच्छे ग्राफाइट कार्बन एंड डायमंड्स होची एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन तो ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट। गलेना आउ लिथेर आपंकर लिथाराज ओर्स आर ओर्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो गलेना रो आप जानपारे PBS तो लेड रो गोटे ओर ए मॉलिक्यूल इज ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर व्हिच पोजेसेस ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ओरिजिनल मैटर ए मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रिकली तो से मॉलिक्यूल को हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोली कहि परिया कोन कहि परिया न्यूट्रल। नेक्स्ट देखिए ए न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ दिस ऑफ देयर स्पीड्स तो मन रखिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पीड होची फास्ट हम आपंकर अल्फा पार्टिकल
देन न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन स्पीड रो ऑर्डरटा व्हेन एवर एन अल्कली मेटल सच एज लिथियम एंड सोडियम रिएक्ट विथ वाटर व्हिच अमंग द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस तो मन रखिए से हाइड्रोजन गैस गोटे प्रड्यूस हो नेक्स्ट को आसतु व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर यूज एज कंपोनेंट टू प्रड्यूस आपंकर नाइट्रोलिम ए वाइडली यूज फर्टिलाइजर इन पास्ट तो मन रखिए नाइट्रोलिम आप कैल्शियम कार्बाइड आउ नाइट्रोजन द आक्वस सल्यूशन अफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग एसिड्स इज कॉल्ड विनेगर तो करें एसिडिक एसिड्र नेक्स्ट व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट डिक्रीजिंग बायो एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी तो करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कैल्शियम एवं फास्फोरस व्हिच अमंग द फॉलोइंग हैपेंस इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन होता है ना इलेक्ट्रॉन्स लॉस होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हला बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जानिथिबे रिडक्शन होची गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई दि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक फ्रॉम द गिवन ऑप्शन तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आम डिस्कशन करले प्रीवियस क्लास बैकेलाइट होची गोटे थर्मोसेटिंग व्हाइट फॉस्फोरस इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल व्हाइट फॉस्फोरस को आपनकर पी फोर आकार लिखा जाए व्हाइट फॉस्फोरस को पी फोर आकार लिखा जाए तो ओवरऑल फ्रेंड्स आम डिस्कशन करले 150 प्लस आपनकर केमिस्ट्री एमसीक्यू क्वेश्चन जदि आपन वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे सांग वीडियो को शेयर करेंगे चैनल को जब फर्स्ट टाइम आसेंगे चैनल के लिए सब्सक्राइब करेंगे सो थैंक यू।